पर्यावरण मंत्रियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा ग्रीन ग्रोथ पर है देश का फोकस। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ने कहा दशहरे के बाद होगी सुनवाई। भारतीय नौसेना को बढ़ेगी ताकत मिलेगी, 35 ब्रह्मोस मिसाइलें रक्षा मंत्रालय से हुआ करार। गुरुग्राम के शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। पाकिस्तान के साथ F-16 डील पर अमेरिका ने दी सफाई, कहा यह भारत के लिए कोई मैसेज नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाईवे सर्वे किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिलों में लोगों को हर संभव मदद करने के लिए कहा। बता दें कि सीएम ने गोरखपुर और संत कबीर नगर के साथ बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनके साथ कई सपा विधायक भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आजम खान पर हो रहे अत्याचार पर बातचीत की। इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे मुकदमे को लेकर भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि आजम खान को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यूपी विधानसभा की मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है और प्रदेश के सभी विधायकों को आज विधानसभा की ओर से टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा प्रमुख व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव अपने साथी विधायकों के साथ अचानक सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करते समय दफ्तर पहुंचे। बता दें इस दौरान उनके साथ मौजूद विधायक हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर उनके साथ निकले। कि सदन चले और सदन बहुत कम दिनों के लिए चलाया गया। जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी उसका कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सवाल इस बात का है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पिछले लगभग 800 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं और सभी विचारधारा के छात्र नौजवान वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। उधर उनकी फीस बढ़ा दी गई 500 गिना। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी ने लगातार ये मांग की है कि किसान सूखा से बर्बाद हो रहा है और कई जगह बाढ़ से नुकसान हुआ है। सरकार ने आखिरकार क्या राहत दी है? कहने को सरकार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राहत किसानों को क्या दी है? जानवर बड़े पैमाने पर बीमार हैं, उनकी जान गई है। क्या सरकार मदद कर रही है उन किसानों की? सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप देख करके आ जाइए। सड़कें डूब गई हैं, सड़कें गड्ढे में बदल गई, लेकिन सड़कों की मरम्मत कौन करेगा? बिजली महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। सीतापुर के तहसील लहरपुर में कोतवाली प्रभारी और क्षेत्राधिकारी ने मिलकर केसरीगंज, अकबरपुर और लहरपुर कस्बे में देसी और अंग्रेजी शराब बियर की दुकानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक का मिलान किया और नकली शराब की भी जांच की। इसके साथ जांच अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि कोई भी शराब विक्रेता दुकान पर ग्राहक को शराब नहीं पीने देगा। अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दिया तो दुकानदार के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यूपी में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह पर जलभराव की मुसीबत बन रहा है। जानकारी के मुताबिक कई जिलों में बारिश के पानी से खेतों में फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं गोंडा जिले में सरयू नदी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते उफान पर है और सरयू के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कई और जिले में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर गोंडा की है, तीसरी तस्वीर आप गोरखपुर से देख सकते हैं। बता दें कि यूपी में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। जगह जगह पर जलभराव की मुसीबत है। कई जिलों में बारिश की वजह से खेतों में फसलें बर्बाद हो रही हैं। गोंडा जिले में सरयू नदी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते उफान पर है। सरयू के तटवर्ती इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कई और जिले हैं जो बाढ़ के हालात बता दें कि बारिश की वजह से किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अंबेडकर नगर से दिखाई जा रही है, दूसरी तस्वीर में ये तस्वीर गोंडा की है और तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। जगह जगह जलभराव से मुसीबत बन रहा है। कई जिलों में बारिश की वजह से पानी में खेतों से फसलें बर्बाद हो रही हैं। सरयू नदी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते भी उफान पर है। आसपास के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है बारिश की वजह से। बता दें कि यूपी में मूसलाधार बारिश लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर चुकी है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोग पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। कई जिलों में बारिश के पानी से खेतों में फसलें बर्बाद हो रही हैं। गोंडा जिले में सरयू नदी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते उफान पर है। सरयू के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से। गोंडा से अनिल कुमार हैं और अंबेडकर नगर से राहुल पांडे हैं हमारे साथ। हिमांशु, गोरखपुर की क्या स्थिति बनी हुई है कि जैसे यूपी में मूसलाधार बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है? गोरखपुर में बाढ़ का प्रकोप जो है जारी है। तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ गोरखपुर पूरी तरह से कई इसके गांव जो है पूरी तरह से मलिन हो चुके हैं। सिर्फ कागज पे जो गांव दिख रहे हैं उसका आखिरी घर तक जो है पानी में विलुप्त हो चुका है पूरी तरह से। और बता दें कि गांव वालों को पलायन करने की स्थिति आ चुकी है। हालांकि गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्य क्षेत्र है, उनका गृहस्थली, यह माना जाता है कि काफी जो नेपाल का पानी छोड़ा जाता है उसके वजह से गोरखपुर में बाढ़ आती है। बाढ़ की भयानक स्थिति आपको बता दें, इस समय थोड़ा ही पानी अभी नेपाल की तरफ से छोड़ा गया है तो यहाँ पे पूरी तरह से देखिए जलमग्न हो चुका है। और कई ऐसे गांव आपके सामने दिखेंगे जो पूरी तरह से टापू बन चुके हैं और इस तरीके से वो पूरी तरह से कट चुके हैं। शहर से पूरी तरह से था उसका टूट चुका है, यातायात टूट चुका है। लखनऊ जाने वाला आगे देख सकते हैं आप, राजघाट पुल है और ये पूरी तरह से लखनऊ फैजाबाद मार्ग को जोड़ता है और इसी का एक सहारा है शायद गांव में जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो है पूरी तरह से गांव में पानी भरा हुआ है। सरयू की बात करें तो
पड़हलगंज में पूरी तरह से तीन ऐसे गांव हैं जो सिर्फ कागज पे दिख रहे हैं, उनके आखिरी घर तक जो है पूरी तरह से बह चुका है। वहां कोई भी स्थिति नहीं है कि कोई आदमी वहां रह रहा हो, लोगों को सड़क पे आकर के या रेलवे लाइन के किनारे आकर के रहना पड़ रहा है, पूरी तरह से आश्रय ले रहे हैं। किस तरीके से अपने जीवन यापन करेंगे, किस तरह से वो फिर से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। गोंडा जिले से अनिल हमारे साथ है। अनिल, क्या स्थिति वहां की बनी हुई है? जिस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, किसानों के लिए भी परेशानी का एक ये वो है, और इसमें गांव वाले भी इसमें दिक्कत का सामना कर रहे होंगे। राहुल, अंबेडकर नगर में क्या स्थिति बनी हुई है? नेपाल से जब से पानी छोड़ा गया है, घाघरा नदी के हम पास खड़े हैं, घाघरा नदी का जो रूप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, और जिला प्रशासन ने यहाँ पर घाघरा नदी के पास जो गांव बसे हैं वहाँ पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। ऐसे में एहतियात बरतने की अपील की गई जिला प्रशासन द्वारा, जो घाघरा नदी के गांव है, बसिंदे लोग हैं, उनसे लगातार अपील किया गया एहतियात बरतने की। और इस खबर में और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, गोंडा जिले में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, आप देखें किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। जलस्तर को देखते बाढ़ की समस्या हो गई, और बाकी यहाँ किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई, और बाकी गरीब जो हाथ ज्यादा बनाकर फसल पूरा दिया। तीन दिन से लगातार बारिश की वजह से नहीं, घाघरा यात्रा करनेलगंज तहसील यात्रा तहसील दोनों क्षेत्रों में बाढ़ की मुसीबत बड़ी हुई है, और बाकी खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और बाकी इसके लिए भी एसडीएफ साहब कल भी गए हुए हैं, बाकी पहुंचा रहे हैं, फिर बाढ़ की राहत सामग्री भी दी जा रही है, और यहां किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या क्या राहत बचाव के लिए राहत कार्य के लिए मुहैया कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें प्रशासन की तरफ से तिरपाल है और बाकी लेस पैकेट है, ये सब वितरण किया जा रहा है, लेकिन जल स्तर लगातार जिस तरह से घट गया है एक दो दिन में, इसी तरह से पूरा रोड भी कट गया, अयोध्या मार्ग जाने वाले रोड भी कट गया, और बाकी घाघरा की भी जल स्तर, वहाँ पे मजबूर है रहने के लिए जो बंधा बनाया गया था वो भी कोई उचित तंत्र से नहीं बना, इसके वजह से बाढ़ की हर साल अगस्त या सितंबर माह में बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से हर ग्रामीणों को किसानों के लिए खाने की व्यवस्था बनाने के लिए कहीं रह रहे हैं, और तखत भी खाना बनाने कार्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जी हिमांशु, आपसे सवाल है कि सीएम ने आज सर्वेक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण किया है? जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में नजर आते हैं, और हर तरफ जो है वो हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से बात करें कि पूरी तरह से निरीक्षण करते हैं, और आपदा प्रबंधन को भी उन्होंने आदेश दिया हुआ है, सारे जिला अधिकारियों को आदेश दिया हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी जिले की जो है भौगोलिक स्थिति, और उसमें गोरखपुर जिला एक ऐसा जिला है जो एक तरह से कटोरी कार है, और इसमें नदी जो है जिले से ऊपर बहती है, शहर जो है नीचे पे है और नदी ऊंचाई पे है, ऐसे में आपदा प्रबंधन को काफी कार्य करना पड़ता है, उनका पूरा हाथ पैर फूल जाता है जब यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बाढ़ की स्थिति हवा होती है तो शहर में जो है पानी भर सकता है, पूरा जिला जो है जलमग्न हो सकता है, ऐसे में पूरी तरह से कोशिश करती है कि बाढ़ को किसी तरह से रोका जा सके। हालांकि इसके लिए काफी हद तक पे बांध वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी गांव की स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूरी तरह से पानी से गांव जो है जलमग्न हो जाते हैं, मरुण बन जाते हैं, और वहां पे जो है विलुप्ता आ जाती है, गांव में आखिरी आवास तक जो है यहां पे गायब हो जाता है, लोगों को बाहर आना पड़ता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन जो है पूरी तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर नजर रखे हुए हैं कि किसी भी जिले में जो है आपदा की स्थिति ना आए। लेकिन गोरखपुर की बात यह है कि इस बारिश के मौसम के बाद ही यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप जारी होता है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ
खुद सांसद रहते हुए भी लड़े हैं और काफी हद तक इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया है। हालांकि इसके लिए जो है मेडिकल कॉलेज में भी वार्डों की जो है उपलब्धता करा दी गई है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि जब भी बरसात का मौसम आता है और किसी तरीके से बाढ़ जो हवा रुक देती है तो उसके बाद से ही जो है इंसेफ्लाइटिस का जो है दौर शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। गोंडा से अनिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर नगर से राहुल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में सर्वे टीम मीरपुर छावनी में मदरसा मदीनतुल उलमी पहुंची, जहां जांच अधिकारियों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया। जांच के दौरान अधिकारियों को मदरसा संचालक आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे पाए, जिसको लेकर अधिकारियों ने संचालकों को एक सप्ताह में पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें कि दो मदरसे बिना पंजीकृत और कुछ मदरसे चंदे के धनराशि से चलते मिले, जबकि एक मदरसे की फीस ली जा रही थी। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत दफ्तर के सामने 60 लाख रुपए की लागत से बना नाला 20 दिन में ही नहीं चल पाया। बारिश के चलते ज्यादातर पानी भरने से ढह गया। जानकारी के मुताबिक मानकों को ताक पर रखकर नाले को सीमेंट की बजाय बालू से बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। नाला गिरने के बाद पूरे इलाके में करप्शन की चर्चा हो रही है। गाजीपुर में पूर्व बीजेपी विधायक स्वर्गीय केएन राय के बेटे पीयूष राय का बयान सामने आया है। पीयूष राय ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को सजा का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और सम्मान भी करता हूं। योगी जी की सरकार में माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही पीयूष राय ने कहा कि कृष्णानंदन राय हत्याकांड को लेकर मुझे और मेरे परिवार को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि फैसले हमारे हक में आएगा। हमारे गवाह थे, उनके सारे बयान भी सपा के सरकार में हुए। फैसला ज़रूर 2019 में आया, लेकिन सारे बयान, सारे जो भी कोर्ट में मामले थे उस समय की सरकारों द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था। उस समय कई गवाहों को इनके गुर्गों ने और इन्होंने धमकाया भी था, उठाया भी था, इसलिए फैसला कुछ और रहा है। जैसा कि उस समय के जज ने भी अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर गवाहों का बयान ने इस आज इस आदेश को दूसरा रूप दे रखा है, अगर गवाहों का बयान दूसरा होता तो इसका फैसला भी दूसरा आया होता। बुलंदशहर में कई इलाकों में बारिश की वजह से धान के खेतों में पानी भर गया है। खेतों में खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जानकारी के मुताबिक कई खेतों में 100% तक पानी भरा हुआ है। धान की फसल में पानी भरने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बता दें कि जिला प्रशासन नुकसान के आकलन की तैयारी में जुट गया है और प्रशासन की तरफ से किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। बारिश से, बिन मौसम की बारिश से इस गांव कुमरपुर के इस एरिए में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है, और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं, 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में पूर्व प्रधान व बसपा नेता ने घर पर किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद होने पर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रिवाल्वर को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मैनपुरी में बिछवा थाना पुलिस ने ग्राम श्रृंगारपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए बदमाश पर पहले से ही करीब 18 मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बाइक को रुकवाने का प्रयास किया तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने तमंचे से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करके भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आज बिछवा पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा 50,000 का इनामी, जिसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन के ऊपर मुकदमे हैं,
दीवान और पुनीत पुत्र मोहकम जो बरनाहल का निवासी है पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसके ऊपर विभिन्न जनपदों में बहुत सारे अभियोग पंजीकृत हैं। नोएडा में इसने डकैती डाली थी, मर्डर किया था। फिरोजाबाद में भी इसके द्वारा 3 लूट की घटनाएं की गई थी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।